हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है काजीरंगा एक्सप्रेस के बारे में, जो कि बेंगलुरु से गुवाहाटी असम के बीच में हफ्ते में 3 दिन चलती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की जो वीडियो ट्रेन जानकारी है वो है बेंगलुरु छावनी गुवाहाटी काजीरंगा एक्सप्रेस। ये जो ट्रेन है काजीरंगा एक्सप्रेस, हफ्ते में 3 दिन चलती है। हर बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को ये बेंगलुरु कैंट से गुवाहाटी के लिए रवाना होती है। और इस ट्रेन का नंबर है 125-09। 54 घंटे 20 मिनट में ये बेंगलोर कैंट से गुवाहाटी की दूरी जो है कवर करती है। वाया हावड़ा होकर ये ट्रेन जो है चलती है। इसके तकरीबन 41 यानी कि 41 स्टेशन हैं और 2983 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 55 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है। और इसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे डिवीज़न जो है ऑपरेट करता है बेंगलोर कैंट से। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये हर बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को चलती है। और इसमें सेकंड एसी, थर्ड एसी स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के कोच हैं। इसके अलावा इस ट्रेन में पेंट्री कार भी शामिल है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं बेंगलुरु से। आगे हम बात करेंगे इस ट्रेन के टिकट किराए के बारे में। मैं जो अभी आपको काजीरंगा एक्सप्रेस का टिकट किराया बताऊंगा वो बेंगलुरु कैंट से गुवाहाटी तक का बताऊंगा। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर में जाके कंफर्म कर लें, वहां से आपको सही किराया जो है पता लग जाएगा। काजीरंगा एक्सप्रेस या गुवाहाटी एक्सप्रेस के अगर टिकट किराए के बारे में बात करें तो मैं जो अभी आपको टिकट किराया बताऊंगा वो बेंगलुरु कैंट से गुवाहाटी तक का सेकंड एसी का आपको कोचेस वाइज किराया बताऊंगा। इसका जो टोटल किराया वो है 3640 रुपये, जिसमें 3371 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये है, 45 रुपये जो है वो सुपरफास्ट चार्ज है और GST चार्ज जो है 174 रुपये है। इसके अलावा थर्ड एसी का बेंगलोर से गुवाहाटी तक का जो किराया है वो है 2490 रुपये, जिसमें 2286 रुपये तो बेस फेयर है, 40 रुपये रिजर्वेशन चार्ज है, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये है और 119 रुपये जो है वो GST चार्ज है। इसके अलावा काजीरंगा एक्सप्रेस में स्लीपर क्लास के भी कोच है। स्लीपर क्लास में कोई GST चार्ज नहीं लगता। स्लीपर क्लास का जो बेस फेयर है वो है तकरीबन 915 रुपये, रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 30 रुपये है और टोटल किराया जो है वो है 965 रुपये। इसके अलावा बेंगलुरु कैंट गुवाहाटी काजीरंगा एक्सप्रेस में जनरल अंडर रिजर्व डिब्बे भी हैं, जिसका किराया जो है 550 रुपये के करीब है। ये जो मैंने अभी आपको किराया बताया ये अपडेटेड और सही किराया नहीं है। सही किराया जानने के लिए आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके कंफर्म कर लें, वहां से आपको सही किराया जो है पता लग जाएगा। इसके अलावा काजीरंगा एक्सप्रेस में पेंट्री कार यानी कि रसोई अन्न कक्ष की फैसिलिटी भी साथ में है, जहाँ से आपको ट्रेन के अंदर ही फूड फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ये फूड फैसिलिटी के जो चार्ज हैं आपकी टिकट में इंक्लूड नहीं होते हैं, आपको एक्स्ट्रा जो है फूड परचेज करना होता है ट्रेन के अंदर ही पेंट्री कार से। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं काजीरंगा एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में। दोस्तों, कभी भी आपने काजीरंगा एक्सप्रेस में ट्रैवल किया है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, और अपना ट्रेन एक्सपीरियंस के बारे में भी कमेंट करके बताएं कि अच्छा था कि कैसा था, जरूर कमेंट सेक्शन में मैंशन करके बताएं। काजीरंगा एक्सप्रेस जो है हफ्ते में 3 दिन चलती है। हर बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को ये बेंगलोर कैंट से रात के 11:40 पर ये जो ट्रेन है एक ए प्लेटफॉर्म से रवाना होती है। उसके बाद अपने दूसरे स्टेशन कृष्णा राजापुरम में रात के 11:51 पर पहुंचती है और 11:53 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है और 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। तकरीबन 10 किलोमीटर की यात्रा जो है कवर कर चुकी होती है। भंगारापेट जंक्शन कर्नाटका में यह ट्रेन जो है रात के 12:38 पर पहुंचती है और 12:40 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। जोलारेपट्टी जंक्शन में ट्रेन जो है रात के 2:08 पर पहुंचती है और 2:10 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। जोलारेपट्टी जंक्शन जो है तमिलनाडु का एक स्टेशन है। तमिलनाडु के ही कटपड़ी जंक्शन में ट्रेन जो है रात के 3:10 पर पहुंचती है और 3:30 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 20 मिनट का स्टॉप है। यहां पर ये 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आकर ट्रेन जो है रुकती है। उसके बाद काजीरंगा एक्सप्रेस जो है अर्नाकोनम जंक्शन में सुबह 4:18 पर पहुंचती है और 4:20 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है और 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आकर ट्रेन जो है रुकती है। चेन्नई के पेरम्बूर और इस ट्रेन के 7वें स्टेशन पेरम्बूर में ये ट्रेन जो है सुबह 5:25 पर पहुंचती है और 5:35 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। आंध्र प्रदेश के ओनगोल स्टेशन में ट्रेन जो है सुबह 10:24 पर पहुंचती है और 10:25 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है। विजयवाड़ा जंक्शन जो कि इस ट्रेन का 9वां स्टेशन है, यहां पर ये ट्रेन जो है दोपहर के 1:05 पर पहुंचती है और 1:15 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 780 किलोमीटर की यात्रा जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। राजा मुंद्री स्टेशन में ये दोपहर के 3:27 पर पहुंचती है और 3:29 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 930 किलोमीटर की यात्रा जो है ये बेंगलोर से राजा मुंद्री आंध्र प्रदेश तक कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है अपने 11वें स्टेशन
विशाखापट्टनम जंक्शन में पहुंचती है। विशाखापट्टनम जंक्शन में बेंगलुरु कैंट गुवाहाटी काजीरंगा एक्सप्रेस जो है शाम के 7:10 पे पहुंचती है और 7:30 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 20 का स्टॉप है। यहां पर इसका इंजन जो है रिवर्स होता है, यानी कि दूसरी दिशा में चलता है। और बेंगलोर से विशाखापट्टनम तक की जो दूरी है 1130 किलोमीटर के करीब जो है ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है अपने 12वें स्टेशन विजयनगरम जंक्शन में रात के 8:28 पर पहुंचती है और 8:33 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 का स्टॉप है और 1119 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। श्रीकाकुलाकोरम रोड में ये ट्रेन जो है रात के 9:30 पर पहुंचती है और 9:32 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 का स्टॉप है और 1260 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा कवर कर चुकी होती है। पलासा में ये ट्रेन जो है रात के 10:45 पर पहुंचती है और 10:47 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 का स्टॉप है और 1333 किलोमीटर की यात्रा जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। ओडिशा के पहले स्टेशन ब्रह्मपुर में ये ट्रेन जो है रात के 11:50 पर पहुंचती है और 11:55 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 का स्टॉप है और 1 प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 1408 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। बालूगांव में ट्रेन जो है रात के 12:53 पर पहुँचती है और 12:55 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 का स्टॉप है। खुर्दा रोड जंक्शन ओडिशा में ट्रेन जो है रात के 2 पहुँचती है और 2:10 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 का स्टॉप है। यहाँ पर ये 1 प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है और बेंगलोर कैंट से खुर्दा रोड जंक्शन की जो दूरी है 1553 किलोमीटर की ये ट्रेन जो है कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में रात के 2:35 पर पहुंचती है और 2:40 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 का स्टॉप है और 1 प्लेटफॉर्म पर आकर ट्रेन जो है रुकती है। कटक जंक्शन में ट्रेन जो है रात के 3:15 पर पहुंचती है और 3:20 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 का स्टॉप है और 1 प्लेटफॉर्म पर आकर ट्रेन जो है रुकती है। जाजपुर खोंजार रोड में ये ट्रेन जो है सुबह 4:20 पर पहुंचती है और 4:22 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 का स्टॉप है और 2 प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है भद्रक स्टेशन में सुबह 5:28 पर पहुंचती है और 5:30 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 का स्टॉप है। यहाँ पर ये 3 प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। उसके बाद बेंगलोर कैंट से गुवाहाटी तक चलने वाली काजीरंगा एक्सप्रेस जो है ओडिशा के आखिरी स्टेशन बालासोर या बालेश्वर में सुबह 6:15 पर पहुंचती है और 6:17 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 का स्टॉप है। पश्चिम बंगाल के पहले स्टेशन खड़गपुर में ये ट्रेन जो है सुबह 8:15 पर पहुंचती है और 8:30 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 15 का स्टॉप है। यहां पर ये 5 प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है और 1892 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। अपने 24वें स्टेशन सतरागाछी जंक्शन पश्चिम बंगाल में ट्रेन जो है सुबह 10:03 पर पहुंचती है और 10:05 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 का स्टॉप है। 4 प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। तकरीबन 2000 किलोमीटर की दूरी जो है ये बेंगलोर से सतरागाछी तक कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये हावड़ा जंक्शन पश्चिम बंगाल में सुबह 10:55 पर पहुंचती है और 11:15 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 20 का स्टॉप है और यहां पर 20 का जो इंजन है रिवर्स होता है। अपने 26वें स्टेशन पे भोलपुर शांति निकेतन में काजीरंगा एक्सप्रेस जो है दोपहर के 1:18 पर पहुंचती है और 1:23 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 का स्टॉप है और 1 प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। रामपुर हाट में ये ट्रेन जो है रामपुर हाट जंक्शन में दोपहर के 2:26 पर पहुंचती है और 2:28 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 का स्टॉप है और 2 प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। उसके बाद काजीरंगा एक्सप्रेस जो है वो मालदा टाउन में पहुंचती है शाम के 5:20 पर और 5:30 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 का स्टॉप है। 4 प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 2341 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। बारसोई जंक्शन में ट्रेन जो है वो बिहार का एक स्टेशन है। यहाँ पर ये ट्रेन जो है शाम के 6:40 पर पहुंचती है और 6:42 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 का स्टॉप है। किशनगंज बिहार में ट्रेन जो है शाम के 7:25 पर पहुंचती है और 2 बाद 7:27 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 का स्टॉप है। उसके बाद बेंगलुरु कैंट गुवाहाटी काजीरंगा एक्सप्रेस जो है वो पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन में रात के 9:25 पर पहुंचती है और 9:40 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 15 का स्टॉप है और 1 प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 1565 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। उसके बाद बेंगलुरु कैंट गुवाहाटी काजीरंगा एक्सप्रेस जो है वो जलपाईगुड़ी रोड में रात के 10:30 पर पहुंचती है और 10:32 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 का स्टॉप है और 2 प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 2609 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है।
उसके बाद बेंगलुरु कैंट गुवाहाटी काजीरंगा एक्सप्रेस जो है वो धूपगुरी पश्चिम बंगाल में पहुंचती है। धूपगुरी पश्चिम बंगाल में रात के 11:03 पे पहुंचती है और 11:05 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है और 2642 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है ये ट्रेन। उसके बाद बेंगलुरु कैंट गुवाहाटी काजीरंगा एक्सप्रेस जो है वो न्यू कोच बिहार में रात के 11:56 पे पहुंचती है और 11:58 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है और 2692 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। पश्चिम बंगाल के आखिरी स्टेशन न्यू अलीपुर द्वार में ये ट्रेन जो है रात के 12:18 पे पहुंचती है और 12:20 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है कोकराझार में रात के 1:17 पे पहुंचती है और 1:19 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है और 2790 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है असम के ही न्यू बंगाईगांव जंक्शन में रात के 2:09 पे पहुंचती है और 2:14 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, सॉरी 5 मिनट का स्टॉप है। 2:09 पे पहुंचती है और 2:14 पे रात को वहां से रवाना हो जाती है। भरपेटा रोड असम में ट्रेन जो है रात के 2:48 पे पहुंचती है और 2:50 पे काजीरंगा एक्सप्रेस जो है वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद काजीरंगा एक्सप्रेस जो है वो रंगिया जंक्शन में पहुंचती है। रंगिया जंक्शन असम में ये 3:50 पे पहुंचती है और 3:55 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है और 2926 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है बेंगलुरु कैंट गुवाहाटी काजीरंगा एक्सप्रेस जो है अपनी सेकेंड लास्ट स्टेशन कामाख्या जंक्शन असम में 5:05 पे पहुंचती है और 5:07 वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है और 2970 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। उसके बाद बेंगलुरु से गुवाहाटी तक चलने वाली काजीरंगा एक्सप्रेस जो है वो अपने आखिरी स्टेशन 41वें स्टेशन गुवाहाटी असम में 6:00 पहुंचती है और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके काजीरंगा एक्सप्रेस जो है समाप्त हो जाती है। गुवाहाटी तक ये अपनी जर्नी जो है समाप्त कर चुकी होती है और बेंगलुरु कैंट से गुवाहाटी तक की जो दूरी है तकरीबन 2980 किलोमीटर के करीब जो है ये कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ बेंगलुरु कैंट गुवाहाटी काजीरंगा एक्सप्रेस की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुँचती रहे और मेरी बाकी वीडियोज़ को भी जरूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई फेवरेट ट्रेन पर मैं वीडियो बनाऊँ तो भी कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप नए हैं या अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलें। बेल आइकन से यह होगा कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।